Hey guys, welcome back to our channel. So we made a video on our house tour and उसी के relevance में we thought that we are gonna make a video which is actually a very common search topic these days. Yeah. Housing versus renting. Yeah. So in this video we are gonna talk about what was better for us, renting or rather buying a house. तो इस वीडियो में हम लोग सारे टॉपिक्स तो नहीं कवर कर पाएंगे, बट देन मेजॉरिटी वुड बी कि वेयर टू फाइंड अ हाउस एंड हाउ टू फाइंड अ हाउस एंड ऑल्सो कि घर खरीदने में आई मीन टू बाय अ हाउस व्हाट ऑल कॉस्ट्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद इट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कंपेयरिंग इट विद रेंटिंग अ हाउस. जैसे कि हमने रेंट करा तो वी रियली वॉन्ट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट कि कैसे कैसे क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, बिकॉज इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी. हम दोनों ने इनफैक्ट काफी ज्यादा रिसर्च करी, बिकॉज बिफोर रेंटिंग दिस प्लेस एंड बिफोर मूविंग आउट ऑफ द ओल्ड हाउस वेयर वी यूज्ड टू लिव, वी एक्चुअली वर इन द मार्केट टू बाय अ हाउस एंड वी वर एक्चुअली डेलिबरेटिंग और वी वर रादर इन अ डिलेमा कि हमें घर खरीदना चाहिए या फिर हम लोगों को घर रेंट करना चाहिए. एंड इसके साथ ना काफी सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि आप कितने टाइम यहाँ पे रहना चाहते हो, आपका फ्यूचर गोल क्या है, कि डू यू रियली सी योरसेल्फ ओवर हियर इन द नेक्स्ट 5 years और 7 years, बिकॉज दैट विल मेक सेंस इफ यू बाय अ हाउस, यू नो, बिकॉज यू आर मोर और लेस पेइंग अ सिमिलर अमाउंट इन द मॉर्गेज कंपेयर्ड टू रेंटिंग. बट दिस वीडियो विल रियली यू नो बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट कि कैसे कैसे क्या क्या होता है. सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट. We started searching or rather looking for places to buy a house first back in September 2023. Yeah. And because हम लोग पहले हम मतलब जब से हमें हमें यहाँ पे US में 2 years हो चुके हैं, rather 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2 years से ऊपर हो चुका है. Yeah. And until then हमने सिर्फ लोगों के साथ शेयरिंग में ही मतलब अकोमोडेट किया है. एंड बट देन वी जस्ट गॉट फेड अप ऑफ इट एंड वी वांटेड टू फाइंड अ प्लेस ऑफ आवर ओन जिसमें कि सिर्फ हम दोनों हो, हमारे डॉग के लिए एनफ स्पेस हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी मेंशन किया, या एग्जैक्टली दैट वी वर फेड अप, लाइक मतलब कि आई डोंट नो कि बाकी सब लोग कैसे दे एक्चुअली मैनेज, बट देन हम लोग कभी भी ऐसे इस सिनेरियो में रहे नहीं है. बिसाइड्स द पार्ट कि हम लोग फ्रांस में थे तब हम लोगों ने थोड़ा टाइम शेयर करा था, ये स्विट्जरलैंड में थी या स्पेन में थी तब इसने शेयर करा था, बट उसके अलावा हम लोगों ने पर्सनली थ्रू आउट आवर लाइफ वी हैव नॉट रियली शेयर्ड स्पेस बिसाइड्स मी माई सेल्फ बींग इन हॉस्टल फॉर कपल इयर्स. बट देन वो भी एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, बिकॉज आप अपने क्लासमेट्स अपने यू नो पीयर ग्रुप के साथ आप एक जगह शेयर कर रहे हो, बट यहाँ पे हम लोग बिल्कुल रैंडम लोग, बहुत रैंडम लोग हमें मिले. कुछ वक्त तो ऐसा था कि हम लोग अपने कलीग्स के साथ हम लोगों ने शेयर करा, बट देन उसके बाद व्हेन द कलीग मूव्ड आउट वी हैड टू गेट रैंडम पीपल इनटू द हाउस जस्ट टू फिल इन दैट एम्प्टी वेकेंट स्पॉट ऑफ द रूम. एंड इफ वो रूम जैसे कुछ महीने नहीं रेंट पे चढ़ा तो वी हैड टू बेयर द होल रेंट ऑफ द प्लेस. या एंड द रेंट वाज आल्सो वेरी ऑन एक्सपेंसिव एंड वो रेंट हम लोगों ने ऑलमोस्ट इट वाज $3,600 इंक्लूडिंग द यूटिलिटीज. या सो दैट इज आल्सो लाइक लॉट ऑफ मनी. So, इसी लाइक ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जस्ट स्टार्टेड टू गेट पाइल ऑन एंड हमने स्टार्ट करा टू यू नो लुक फॉर हाउसेस. एंड जब हम एक्चुअली में मतलब हमने अपना माइंड थोड़ा सा मेकअप करना स्टार्ट करा कि बिकॉज हमें 2 years हो गए हैं, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट लुकिंग टू बाय अ हाउस, तो आई थिंक कि हमारा टाइमिंग वॉज रियली रॉन्ग टू गेट इन टू द मार्केट टू बाय अ हाउस, बिकॉज एट दैट टाइम in October November 2023 the interest rates they shot up and they were 7.8% in comparison to what it was in 2020 or 2021 that was 3.7% or 4% 3.72% 2020 mein tha and COVID outbreak se pehle 2019 mein 4.51% tha. So like you know you see ki wo ekdam se shot up hoke 3% rises exactly. So October and November 2023 saw the biggest rise in the interest rates. एंड मतलब हम लिटरली जब हमने कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट करी तो हमें लगा कि हम
मतलब एक्चुअल हाउस के प्राइस से ज्यादा तो हम अपनी इंटरेस्ट रेट पर ही अपना मतलब पैसे देते चले जाएंगे. एंड ऑल्सो बिकॉज की जब भी आप मॉर्गेज करते हैं, बी इट कार और हाउस और एनीथिंग, तो बैंक की स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज लाइक दे वुड टेक द इंटरेस्ट इन द बिगनिंग ऑफ योर मतलब कि जो पूरा टेन्योर होएगा उसके अंदर आपका इंटरेस्ट मेजॉरिटी ही वो लोग आपको चार्ज करते रहेंगे ना, आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो कि एक्चुअली जिस चीज के लिए आप लोन ले रहे हैं, इट विल बी जस्ट 20%. जैसे कि 1000 अगर आपको एक महीने में पे करना है तो उसके अंदर से सिर्फ 200 आपके प्रिंसिपल में से कटेगा और 800 आपके इंटरेस्ट में से कटेगा. सो दैट डजंट रियली मेक सेंस, मतलब वो बैंक की स्ट्रेटेजी है. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट, बट देन दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स. Yeah, so let's just get into it and let's just talk about all the pros and cons of housing, buying a house versus renting a house. Okay, so first point is, let me read it out for you. So the median monthly cost of owning a new home is 52% higher than the average rent payment. मतलब कि 52% ज़्यादा है कि आप जो rent pay कर रहे हैं उससे एक median monthly पेमेंट एक घर को खरीदने की. सो यू सी कि मतलब कि 50% से भी ज्यादा तो टोटल प्राइस आपका मतलब 52% ज्यादा पड़ेगा इन कंपैरिजन कि अगर आप रेंट के टुवर्ड्स जा रहे हो. यस, फिर जैसे कि मैंने अभी पहले मेंशन करा इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि बाइंग अ हाउस मेक सेंस व्हेन यू रियली वांट टू बी देयर एंड यू सी योरसेल्फ ओवर देयर एट द सेम प्लेस फॉर 5 or 7 years. अदरवाइज जो एनीथिंग लेसर देन दैट वुड बी लेस ऑफ एन ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट. एंड ऑब्वियसली कि अगर आपको वहां नहीं रहना, जैसे अभी हम लोगों को भी श्योर नहीं कि हम लोग इस टाउन में या फिर इस जगह पे कब तक हैं. ये पॉइंट भी हम इस पे तब हम आए जब हमने मतलब यू नो हमने देखा कि इतने ज्यादा जो उसका इंटरेस्ट रेट है बिकॉज इतना रॉकेट कर चुका है. एंड वी स्टार्टेड टू लाइक मेक लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स. So we got stuck on this question, do we see ourselves in Healdsburg in the next 5 years? Or even in California. Or even in California, because हम लोग यहाँ पे हैं because हमारी job यहाँ पे. It is a coincidence कि हम लोगों को ये town और ये पूरा area भी इतना ज़्यादा पसंद है कि we really love and really aspire to be here for a longer term. But then it is also not sure that we would really be here for that long, like 5 or 7 years. That is a long commitment. So that brings me to my third point, कि it is a massive financial commitment. मतलब कि आप एक बहुत बड़ा commitment कर रहे हैं when you buy a house, कि आप वहां रहेंगे. And it is not even necessary कि आपने घर खरीदा, move out हो गए एक आध साल में and आपको कोई renter, you know, फटाफट मिल गया. That is that all these things, you know, really affect when you buy a house. हाँ. इवन इफ यू थिंक कि लेट्स जस्ट लाइक अगर हमने इस मार्केट में अभी हमने घर परचेज कर लिया एंड देन यू हैव अ स्ट्रेटजी कि यू नो इन द नेक्स्ट 2 years यू आर गोना पुट दिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड यू आर गोना मतलब उस रेंट से यू आर गोना पे ऑल द मॉर्गेजेस एंड देन यू लाइक यू नो यू अगेन कलेक्ट और लाइक सेव अप मनी फॉर अनदर हाउस एंड आप उसमें चले जाएंगे. तो ये सारी जो चीजें हैं दीज आर वेरी वेरिएबल लाइक मतलब हाँ एग्जैक्टली. तो आप मतलब बाइंग योर फर्स्ट हाउस इज एक्चुअली अ वेरी बिग डिसीजन. तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे मतलब हम इतना ज्यादा पहले एंथुजियास्टिक होके हमने घर देखने स्टार्ट करे टू बाय एंड उसमें जब हम एंटर करें लाइक यू नो इट्स लाइक पूरी वो रियल एस्टेट वाली जो जर्नी हमने वो करी है इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. एंड यू वुड नॉट बिलीव हम लोग एक हफ्ते में हम लोग 4-5 घर देखते हैं. एग्जैक्टली. एंड दोनों मतलब कि रेंट करने के लिए भी एंड देन पूरे ओपन हाउसेस में जा रहे हैं. ओपन यहाँ पे जब जैसे घर दिखाने होते हैं तो यहाँ पे काफी सारे स्ट्रीट साइंस भी होते हैं कि ओपन हाउस है. सो यू कैन जस्ट एक्चुअली वॉक इन एंड लुक एट द प्लेस एंड यू नो टॉक टू द रियल्टर. वहां पे रियल्टर कुछ वक्त के लिए अवेलेबल होता है देन उस ड्यूरेशन में उसको ओपन हाउस होता है यू कैन एक्चुअली. आई रिमेम्बर कि हम घर से काम तक ड्राइव करके जा रहे हैं एंड हमारी नजरें सिर्फ आसपास के घरों में है कि कहीं पे ये लगा हो या फिर रेंट. हाँ एग्जैक्टली. वैसे लीज और रेंट ऑलमोस्ट ये एक ही चीज है यहाँ पे. रेंट मतलब की बाकी सब जगहों पे कंट्रीज में जैसे इंडिया में रेंट रेफर करते हैं बट यहाँ पे दे कॉल इट लीज बिकॉज इट इज लाइक अ टर्म जिसके अंदर आप यहाँ पे बाउंड हो जगह पे रहने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल
द हाउस दैट वी आर इन राइट नाउ, ये हमारी एक साल की लीज है विच वी साइन इन नवंबर 2023. तो हमारे इस साल 2024 के नवंबर तक अपने लैंडलॉर्ड के साथ एवरी ईयर. बट देन यहाँ पे हर साल आपका रेंट भी कुछ परसेंट बढ़ता है. इट इज जैसे कि इंडिया में भी ऐसा ही होता है. इट इज लाइक अ जनरल थिंग, ये हर जगह पे ऐसा ही होता है कि आपका हर साल रेंट कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका बढ़ता ही बढ़ता है. फिर अब आते हैं पॉइंट पे कि हम कब, लाइक व्हेन वाज दैट स्टेप, या फिर व्हेन वाज दैट मोमेंट जब हमने करा कि लेट्स जस्ट पिवट टुवर्ड्स रेंटिंग. तो ये पॉइंट तब आया जब यू नो वी कंसल्टेड विद आवर पेरेंट्स एंड उन्होंने लिटरली हमसे वही सेम क्वेश्चन पूछे कि डू यू गाइज लाइक यू नो रियली सी योरसेल्फ लिविंग हियर फॉर द नेक्स्ट 5 years और मे बी 7 years. एंड ये सोचते हुए हमें लगा कि यू नो यू नेवर नो, हो सकता है कि हम नेक्स्ट 2 years में हमें कोई और स्टेट में जाने का मन करे एंड हम वहां चले गए. तो एंड प्लस मार्केट की वजह से भी ऑफ कोर्स कि यू नो हम इतना ज्यादा बॉन्कर्स लिटरली हम पे करते. तो इसलिए फिर हमने डिसाइड करा कि लेट्स जस्ट लाइक कीप द आइडिया ऑफ बाइंग अ हाउस फॉर द टाइम, या फॉर द टाइम बीइंग फिर हमने अपना पूरा मतलब कम्प्लीटली फोकस चेंज करके हमने टूवर्ड्स रेंटिंग कर दिया. एंड वी वेंट ऑन टू साइट्स लाइक जिलो, क्रेग्सलिस्ट एंड फेसबुक मार्केट प्लेस ऑल्सो. बहुत ही मतलब एक हमें इंटरेस्टिंग स्पेस लगा जहाँ पे कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज और रेंटल्स ऐसे उन्होंने मार्केट करे हुए थे. या उस पे एक्चुअली यू कैन फाइंड एवरीथिंग लाइक कार, बाइक एंड अप्लायंसेस, टू बाय अ हाउस, टू रेंट अ हाउस. एग्जैक्टली वहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, व्हिच वी एक्चुअली रियली गॉट टू नो कि इट इज अ बिग थिंग ओवर हियर इन स्टेट्स कंपेयर्ड टू एनी अदर प्लेस. In fact, even in Europe, it was quite a thing. I remember selling my phone. Yeah. So how about you get on to the points ki renting ke liye? Renting ke liye yahan pe, as Sid said, ki yahan pe ya to ek long-term lease hoti hai ya phir short-term month-to-month bhi hota hai. To hum log jahan pe pehle reh rahe the, wo month-to-month the sare. कि एवरी मंथ हमारा लीज रिन्यू हो रही है बेसिकली. एंड फिर अब जब हमने ये वाला घर हमें मिला था क्रेग्स लिस्ट पे, इट वॉज वेरी सडन, द एड जस्ट पॉप्ड ऑन. हमने लाइक आई थिंक इट आई सॉ द एड इन द मॉर्निंग. इवनिंग में हम ये घर देखने के लिए आए थे. वी सॉ द हाउस, इट वॉज वेरी रॉ, वी लव्ड इट. लाइक एज सून एज वी एंटर द हाउस यू नो वी जस्ट लुक्ड एट ईच अदर एंड वी वर लाइक आई थिंक दिस इज इट. बिकॉज हम इतने घर देख चुके थे, हमें यहाँ पे आने से पहले, इस घर को देखने से पहले वी हैड जीरो एक्सपेक्टेशन. एंड एज सून एज वी एंटर्ड वी जस्ट लुक्ड एट ईच अदर, वी सॉ आवर डॉग यू नो कि पूरा फ्रीली इट्स गोना बी लाइक हर ओन स्पेस एंड उसे किसी से डरना नहीं पड़ेगा या फिर उसे किसी को कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता. लाइक यू नो शी इज जस्ट फ्री नाउ. तो वो सब देख के वी वर लाइक कि लेट्स जस्ट फिल आउट द एप्लीकेशन. एंड हमने जो लैंडलॉर्ड था हमने उसे थोड़ा सा मक्खन मारा ऐसे ऐसे एंड वी जस्ट प्रेड कि हमारी एप्लीकेशन वो कर ले. एंड विद इन 2 days वी गॉट द आंसर कि दिस इज योर हाउस एंड इट्स रेडी टू मूव इन. तो वी वर सो लाइक यू नो एस्टेटिक कि वाओ हमारा फर्स्ट एवर खुद का घर. मतलब ठीक है रेंट का है बट देन इट वाज स्टिल लाइक यू नो हमारा लाइक आवर ओन हाउस. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक रेंटिंग में हमने क्यों टुवर्ड्स अब रेंटिंग हम आ गए कि पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें एंड कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है अब इसमें. लाइक यू नो कि जैसे टू बाय अ हाउस लाइक यू नो ऑल ऑफ दोज घोस्ट चार्जेस. वेल वो घोस्ट चार्जेस नहीं है जब आप घर खरीदते हैं. सो आई एम गोना टेल यू गाइस ऑल द पॉइंट्स कि जब व्हेन यू बाय अ हाउस ये सारी कॉस्ट्स यू इन कर दे, मतलब कि ये है, दिस इज व्हाट इट इज एंड इट इज अ लॉन्ग लिस्ट. सो जस्ट आई हैव टू रीड इट आउट. सो फर्स्ट आप डाउन पेमेंट देंगे, देन डाउन पेमेंट के बाद आपकी आती है क्लोजिंग कॉस्ट
उसके बाद आते हैं मूविंग एक्सपेंस, मतलब कि जैसे अगर आप एक घर से दूसरे घर में जब मूव करेंगे तो आप पैकेट्स एंड मूवर्स एंड ये सब चीजें, ये सब सर्विसेज को आप यूटिलाइज करेंगे. और इवन जस्ट लाइक अस, जब हम लोग इस घर में मूव हुए, सो वी यूज आवर कार एंड वी आल्सो रेंटेड अ यू-हॉल फॉर अ डे. बट देन यू-हॉल आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव अगर आप विद इन द टाउन या फिर विद इन एक छोटे से एरिया में अगर आप कर रहे हैं. सो इट जस्ट कॉस्टेड अस लेस देन $60. देन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि घर खरीदते हुए क्या क्या कॉस्ट इनकर करनी होती है आपको अमेरिका में. देन प्रॉपर्टी टैक्स, HOA, जैसे कि जो हाउसिंग अथॉरिटी होती है उनको आपको फी देनी होती है. देन होम ओनर्स इंश्योरेंस, फिर यूटिलिटीज ऑब्वियसली जो आपके साथ हैं, फिर अप्रेजल कॉस्ट, पेस्ट इंस्पेक्शन, नोटरी फी एंड अर्नेस्ट मनी. वो अर्नेस्ट मनी का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग जब मूव होते हैं तो हमको एक डिपॉजिट देना होता है. जब हम इस घर में मूव हुए तो हम लोगों ने $2,500 डिपॉजिट दिया एंड हमारा $2,500 हमने और पे करे फॉर आवर रेंट. तो वन मंथ रेंट प्लस द डिपॉजिट रेंटर के अंदर जब आप रेंट करते तो आपके लिए जनरली ऐसी सिचुएशन होती है. तो सिमिलरली मतलब इन कॉन्ट्रास्ट जब आप रेंट करते हो तो आपके पास ये सारी कॉस्ट नहीं होती एक्सेप्ट कि आपकी जो अर्नेस्ट कॉस्ट है एंड जो आपका यूटिलिटीज है. यूटिलिटी भी आपकी फर्स्ट मंथ से के एंड में शुरू होती है तो वो इमीडिएटली जब आप मूव इन करते हो तब ड्यू नहीं होती. सो अर्नेस्ट कॉस्ट का मतलब यही है कि जब आप रेंटल डिपॉजिट जैसी एक सिचुएशन होती है तो आपको वो 1-2% हाउसिंग के प्राइस का, मतलब अगर आपका घर $100,000 का है या तो आपको उसका 1-2% आपको पे करना होता है एज अर्नेस्ट टू द एक्स होम ओनर और द सेलर जो आपको घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं और जहां पे आपने डील फिक्स करी है. सो Now I am actually going to, I have an example. So, हम लोगों को एक घर की $500,000 की यहाँ पे टाउन में एक कोटेशन हमें मिली थी. सो वी एक्चुअली bifurcated everything that we're going to incur. जब अगर हम लोग supposedly अगर हम लोग ये घर purchase, वो घर हमने purchase करा होता. Okay, so this part is all about like calculations. Yeah. जो कि like you know of course we are gonna explain, but then we are like in the end of this video we are also gonna put a picture ताकि वो आपके रेफरेंस के लिए आपको ज्यादा आसान हो जाए. Like you can see also कि क्या क्या calculations. Yeah, in case you miss anything it will be available in the end of the video. I'll just put down a picture over there. So firstly अगर वो घर का supposedly वो घर का cost $500,000 है तो it is ideal to pay at least 20% down payment of the house. आप जो भी घर ले रहे हैं अगर आप 20% से कम देंगे सपोजली आपने 10% दिया तो आपके ऊपर एक प्राइवेट इंश्योरेंस की फी होती है. तो आपको वो चार्ज करेंगे एंड दैट विल बी लाइक एन अनदर एक्सपेंस जो कि आपके मॉर्गेज के साथ आपको पे करना है बिकॉज यू आर पेइंग लेस देन 20% ऑफ ऑन द डाउन पेमेंट. या तो डाउन पेमेंट आपने 20% दी वो आपको $100,000 हो गया अगर $500,000 का है. कमिंग डाउन टू क्लोजिंग कॉस्ट, तो क्लोजिंग कॉस्ट होती है 2-5% ऑफ द लोन अमाउंट विच इंक्लूड्स एप्लीकेशन फी $100, अप्रेजल फी $500, होम इंस्पेक्शन फी $500, क्रेडिट चेक $100, अंडरराइटिंग फी $3,000, टाइटल इंश्योरेंस $3,000, टाइटल सर्च $500, ट्रांसफर टैक्स $4,000 एंड इसके अंदर एक आइडियल सिचुएशन के अंदर आपके पास अपने लिए 2 months का एक रिजर्वायर मॉर्गेज पेमेंट का होना ही चाहिए. तो इस घर की मॉर्गेज पेमेंट ऑन एन एवरेज इफ यू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर जैसे कि 700+ तो इट शुड बी $2,300 अ मंथ. तो इफ वी डबल दैट डाउन इट विल बी $4,600 एंड दैट विल ब्रिंग द टोटल टू $116,000 which you have to pay upfront. तो आपके पास $100,000 के ऊपर होना ही चाहिए when you are actually going to buy a house that is roughly costing about $500,000. And अगर ये $1,000,000 का house है आप पूरी cost को double कर सकते हैं. कोई अगर इतना expensive घर है तो उसके साथ और भी additional cost 100% हो सकती है which we don't know about. But इसके अंदर ये है कि ये सिर्फ आपको upfront देना है. Coming down again to the point कि आपको utilities भी pay करनी है. आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक जैसे कि घर का इंश्योरेंस एंड ऑल दैट स्टफ. सो जैसे और प्रॉपर्टी टैक्स करना पड़ेगा. इतने के घर का आपका इजीली 12,000 के आसपास आपका LA के अंदर जो मैंने लास्ट चेक करा था लॉस एंजलिस में इट वाज इजीली $12,000 अ ईयर प्रॉपर्टी टैक्स. सो दैट इज अ लॉट ऑफ मनी. सो घर लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है. इट टेक्स
a lot of effort, a lot of money. And at the same time, ये इतनी बड़ी लिस्ट अभी आप लोगों ने सुनी, घर रेंट करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजें सुननी है एंड यू कैन जस्ट रेंट अ हाउस. घर रेंट करने के लिए तो यू जस्ट नीड लाइक आई वुड से अ गुड बैकग्राउंड, अ क्लीन बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे रेंट करने से पहले ऑल्सो वेन यू फिल आउट दैट एप्लीकेशन द लैंडलॉर्ड रन्स अ बैकग्राउंड चेक ऑन यू. एंड मतलब फिर यही कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रेफरेंसेस भी मांगते हैं. तो और फिर जो कॉस्ट आती है दैट इज योर रेंट डिपॉजिट एंड देन योर यूटिलिटीज. वो भी आपके जब आप फर्स्ट मंथ मूव इन करते हो उसके एंड में ही आएगा, तो इमीडिएटली आप कुछ नहीं एंटर कर रहे हैं. इमीडिएटली आपको सिर्फ आपका फर्स्ट मंथ का रेंट एंड डिपॉजिट, ये दो चीजें होती हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं अपफ्रंट. एंड सपोजिटली इफ यू हैव अ पेट लाइक अस, जैसे कि हमारे पास हाँ, तो फिर बहुत सारी जगह पे वो आपसे पेट डिपॉजिट भी लेते हैं. या एंड वी जस्ट गॉट लकी कि हमें नहीं देना पड़ा. हमें नहीं देना पड़ा इस जगह पे पेट डिपॉजिट. तो लाइक वी चोज टू रेंट दिस हाउस बिकॉज ये हम तीन लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट था. इट वॉज लाइक इट वॉज एट अ वेरी नाइस स्पॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हिल्सबर्ग जूनियर हाई स्कूल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉट आई लव्ड अबाउट इट वॉज अ कॉर्नर हाउस. तो कॉर्नर हाउस होने की वजह से वी हैव अ वेरी ह्यूज फ्रंट यार्ड विच इज वेरी गुड फॉर आर डॉग कि वो यू नो बाहर आ जा सकता है. पूरा फेंस्ड है सो यू नो वी डोंट हैव अ थ्रेट की तो ये मतलब पूरा फेंस्ड है. And then plus की बहुत ही ज्यादा आई वुड से फंक्शनल हाउस है ये कि वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस. वी हैव लाइक हर जगह पे लिटरली विंडोज इतने सारे हैं कि हमारा घर मतलब जैसे ही सनलाइट मतलब यू नो सनराइज होता है हमारा घर लिट अप हो जाता है बिकॉज देयर आर सो मेनी विंडोज. एंड किचन बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है एंड मतलब यू नो हमारी नीड्स को द हाउस एक्चुअली केटर्स. तो एंड इट्स नॉट दैट बिग कि यू नो हम घर की सफाई करने में ही हमें इतना ज्यादा टाइम लग रहा है. इट्स अ वेरी नाइस कोजी स्पॉट. हमारे पास टू बेडरूम्स हैं विच इज लाइक एनफ कि यू नो हमारी फैमिलीज भी हमारे साथ आके रह सकते हैं. एंड देन लाइक आई वुड से कि हमारा जो रेंट है दैट इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव बट देन इफ यू सी मतलब बट देन इफ यू कंपेयर कि यू नो यू आर बाइंग अ हाउस तो उस कंपेरिजन में फिर हमें लगता है कि दिस इज स्टिल affordable. Yeah, it is. ये हम लोग ही नीड को cater कर रहे हैं एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हम लोगों को श्योरिटी नहीं है कि जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हमको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्यूचर में और इफ वी तो हम कहीं किसी जगह से बाउंड नहीं रहे. So I think I really hope ki this video might help clear the dilemma or the thought if you guys have ki whether you should rent or whether you should buy a house at this point. And we hope that you like this video and please, as always, subscribe to our channel. Yeah. Share as much as possible and we would see you in the next one. Yeah. Bye. Bye.